फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि क्लीन और क्लियर में क्या फर्क है। आप कहते हैं इन दोनों का मतलब होता है साफ या साफ करना, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूं कि कब हमको क्लीन बोलना है और कब हमको क्लियर बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, पहला क्लीन द टेबल और दूसरा क्लियर द टेबल। तो पहला एग्जाम्पल जो है क्लीन द टेबल, इसका मतलब होता है कि टेबल को साफ करो। इट मीन्स कि टेबल पर गंदगी है, उस पर पोछा लगाओ और उस गंदगी को साफ करो। तो फ्रेंड्स, क्लीन का मतलब होता है पोछा लगाना या गंदगी को साफ करना। लेकिन अगर हम बात क्लियर की करें, जैसे क्लियर द टेबल, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि टेबल पर फैले सामान को हटाओ, टेबल पर बिखरे सामान को हटाओ। यानी अगर मैं कहूँ क्लियर द टेबल, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि टेबल गंदा है और उस पर पोछा लगाना है, बल्कि उसका ये सेंस होता है कि टेबल पर सामान इधर उधर बिखरे हैं जिसको रिमूव करना है या उसको हटाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ क्लीन द टेबल, तो इसका मतलब ये होता है कि टेबल गंदा है और उसको पोछा लगाना है या उसको सफाई करना है। अगर मैं कहूँ क्लीन द रूम, तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि कमरे को सफाई करो, कमरे में पोछा लगाओ ताकि कमरे की गंदगी साफ हो सके। लेकिन अगर मैं कहूँ क्लियर द रूम, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि रूम में जो सामान है उसे हटाओ, उसे रिमूव करो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।